नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C11 वर्सेस Oppo F15 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C11 में 6.47 इंच जबकि Oppo F15 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme C11 में 2.99 इंच जबकि Oppo F15 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme C11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme C11 में 0.36 इंच जबकि Oppo F15 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C11 में 196 ग्राम जबकि Oppo F15 में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C11 में 82.25% जबकि Oppo F15 में 83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C11 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo F15 की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme C11 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo F15 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo F15 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C11 में MediaTek Helio G35 और Oppo F15 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 2GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V10 क्यूब देखने को मिलती है। बैटरी Realme C11 में 5000 mAh जबकि Oppo F15 में 4230 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme C11 में 2 कलर्स जबकि Oppo F15 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C11 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Oppo F15 की तो वो 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 9590 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9A है,
जो कि 6,798 रुपए में मिलता है। दूसरा इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस है जो कि 7,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Poco C3 है जो कि 7,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C12 है जो कि 8,687 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।